हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भुवनेश शर्मा। आप मेरे चैनल देख रहे हैं माई चॉइस प्रॉपर्टी। आज हम आपके लिए एक न्यू ऑप्शन लेकर के आए हैं, आरजी लग्जरी होम्स। ये सेक्टर 16B के अंदर आता है, रेडी टू मूव स्टेज पर है। इसके अंदर टावर का फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लिफ्ट वगैरह हो गई, सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसका पोजीशन दीपावली से देना स्टार्ट कर दें हैं, फेस वन में टावर ABC एंड M टावर, ये फेस वन में आ जाते हैं। पार्क हो गया आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, फेस वन का दीपावली से पोजीशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगर इसकी मैं टोटल लैंड की बात करूँ तो 18.5 एकड़ के अंदर है, जिसके अंदर ओनली 13 टावर लेकर के आए हैं। बीच में एकदम खुलापन आपको देखने को मिलेगा। पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इसके जैसे आपको सोसाइटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि 7.5 एकड़ का इसके अंदर पार्क दिया हुआ है। 12.5 टावर आपके कोने के आ जाते हैं, बीच में काफ़ी ओपन एरिया आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंड बात, ये 3 साइड आपको ओपन ये प्रोजेक्ट आ जाता है। ये टावर वी की एंट्री लॉबी इस टाइप की रहेगी। हर टावर की लॉबी आप देख रहे हैं सेम इसी टाइप की होने वाली है। एंटर करते ही ये आपको रिसेप्शन एरिया देखने को मिलेगा, सेटिंग एरिया हो गया, ये बनाए हुए हैं। सामने आपका रिसेप्शन एरिया आ जाता है, तो लॉबी को भी काफ़ी एक प्रीमियम वाला फील लेकर के आए हैं, लग्जरी वाला फील आ रहा है इसके अंदर जैसे आप एंटर करेंगे। तो आज ही लग्जरी होम है, बिल्कुल नाम जो रखा गया है उसी चीज़ के ये क्वालिटी भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं फिनिशिंग वगैरह, और आज हम इसके अंदर आपको 3BHK का साइज भी दिखाने वाले हैं, जो कि 3BHK 2 टॉयलेट के साथ है। जिसके अगर साइज की बात करें 1565 स्क्वायर फिट का आपका साइज आ जाता है। तो ये हमारी लॉबी आ जाती है, 12.5 टावरों की सीट है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी लॉबी बनाई हुई है, एक प्रीमियम वाला लुक आ रहा है, डिजाइन भी काफ़ी अच्छे से की हुई है। ये आपका आ जाता है लिफ्ट स्पेस, ये आप देख रहे हैं। एक फ्लोर पे अगर हम लिफ्ट की बात करें तो आपकी इसके अंदर 4 लिफ्ट देखने को मिल जाएंगी। एक फ्लोर पे अगर फ्लैट की बात करें तो एक फ्लोर पे आपके 8 फ्लैट आ जाते हैं, 4 लिफ्ट दी हुई हैं, 8 फ्लोर आ जाते हैं। अगर हाइट की बात करें टावर की तो 28-29 फ्लोर की हाइट आ जाती है। 3 साइड ओपन अपना ये प्रोजेक्ट आ जाता है, तो ज़्यादा यूनिट भी नहीं है। अगर टोटल प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट की बात करें तो 1500-1600 के करीब की आपकी यूनिट आती हैं टोटल। 4 आपको लिफ्ट देखने को मिल जाएंगी। तो आइए चलते अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। आज हम देखते हैं 3BHK 2 टॉयलेट का साइज, जिसका साइज है 1565 स्क्वायर फिट का। एंटर करते ही आपको फॉयर एरिया देखने को मिलेगा। फॉयर एरिया के बाद आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ड्राइंग रूम की अगर साइज की बात करें 10x13 का आपका ड्राइंग रूम रहेगा। अगर डाइनिंग की बात करें तो आपका जो डाइनिंग रहेगा 10x10.5 का आपका डाइनिंग रहेगा। तो ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग आ जाता है। एंड ड्राइंग रूम से अटैच आपको बालकनी देखने को मिलती है। बालकनी का साइज भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बालकनी को ड्राइंग रूम के अंदर अटैच कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप अंदर अपने आप से भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपका किचन, एल शेप में आपका किचन रहेगा। अगर किचन के काम की बात करें तो फुल मॉड्यूलर किचन आपको होकर के मिलने वाली है, नीचे का ऊपर का काम आपको होकर के मिलने वाला है। एंड ये आपकी यूटिलिटी के लिए बालकनी आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये आपका किचन रहेगा, एल शेप में किचन बनाया हुआ है। अगर किचन के साइज की बात करते हैं तो आपका जो किचन का साइज आता है 10x7 का आपका किचन का साइज होता है। एंड ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस था। उसके बाद आपके बेडरूम स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेडरूम आपके सामने आ जाते हैं। तो फर्स्ट बेडरूम आपका ये रहेगा। फर्स्ट बेडरूम की अगर हम साइज की बात करते हैं तो आपका 11x12 का साइज आता है फर्स्ट बेडरूम का। एंड अटैच बालकनी देखने को मिलेगी, एंड एक छोटी सी विंडो भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको बिल्डअप फुल मॉड्यूलर किचन हो गया, बॉल ड्रॉप्स हो गए, LED लाइट, वॉलपेपर, ये सारा काम आपको होकर के मिलने वाला है, जो कि बिल्डर के हैंड से आपको काम होकर के मिलेगा। फेस वन में हमारे रेडी टू मूव हैं, जिसका अक्टूबर में हम पोजीशन दे रहे हैं, फेस टू का हम मार्च में पोजीशन दे रहे हैं। तो इन दोनों में आपको चीज़ें मिल जाती हैं फेस वन एंड फेस टू में। तो काफ़ी अच्छे लेआउट बनाए हुए हैं। ये आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा।
अगर कॉमन वॉशरूम के साइज की बात करते हैं तो 5x7 का आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है, ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है। जैसे आप मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको स्पेस देखने को मिलेगा, अटैच बालकनी आ जाती है एंड अटैच वॉशरूम आ जाता है। लेमिनेट वुडन की फ्लोरिंग आपको होकर के मिलने वाली है। अगर इसके सीलिंग हाइट की बात करें तो 10.5 फीट की आपकी सीलिंग हाइट आ जाती है एंड अटैच आपको वॉशरूम मिल जाएगा। अगर मास्टर बेडरूम के साइज की बात करते हैं हम तो मास्टर बेडरूम का जो साइज आता है 11x14 का आपका मास्टर बेडरूम का साइज रहेगा। वॉलपेपर आपको लगा करके दे रहे हैं इसके अंदर। एल शेप की आपकी किचन आ जाती है, नीचे विंडो एसी का भी प्रोविजन दिया हुआ है एंड ये एल शेप में आपकी बालकनी रहेगी जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बालकनी आपको इसी टाइप की मिलने वाली है एंड मास्टर बेडरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, 11x14 का साइज आता है मास्टर बेडरूम का। एंड ये हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्पेस देखने को मिलेगा, बालकनी अटैच आ जाती है एंड एक छोटी सी विंडो भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है आपको। अगर थर्ड बेडरूम के साइज की बात करते हैं तो 10.5x12 का साइज आएगा, अटैच आपको बालकनी देखने को मिलेगी। तो इस टाइप का आपका लेआउट आ जाता है। 1565 स्क्वायर फीट का साइज है 3BHK 2 टॉयलेट के साथ। इसके अलावा आपको 2BHK 3BHK 4BHK तक के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज इसके अलावा और भी कुछ क्वेरी हो या विजिट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा है, कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक आपको अच्छी डील मिलेगी।